क्वेश्चंस में एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर मैं थोड़ा सा लेट आया था, अगर थोड़ा सा दोबारा से रिव्यू कर लें अभी तक हमने क्या कुछ किया है, तो मैं उधर से रिव्यू कर लूं। आई बिलीव आज भी वो लेट नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो स्टार्ट हो गया और काफी स्टूडेंट्स ऑलरेडी जो है इसके अंदर मौजूद थे। कोर्स का इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया था, बता दिया था, जितने पार्ट्स हैं वो भी बताए थे, और जो हम इसका पार्ट है HRM से रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो हमने स्टार्ट किया था। इसके इंट्रोडक्शन जिसके अंदर HR मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, इसका तारुफ था, HR की प्रैक्टिसेस थी, ठीक है, ये सारी प्रैक्टिसेस लिखी हुई है HR की, इसके डिटेल में हमने किया था, प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंपनसेशन एंड एम्प्लॉय रिलेशंस। मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने पर्सनल मैसेज भी किए हैं और कुछ ने ग्रुप पे भी कहा है और यहाँ पे चैट पे भी है कि थोड़ा सा स्लो जाए, कोशिश कर रहा हूँ मैं। आई बिलीव जो है वो अब के जो लेक्चर हैं, जो लास्ट कल भी था और उससे पहले भी, थोड़ा स्लो एंड सिंपल, और बिल्कुल कोशिश ये है कि स्लो और सिंपल रखूँ। आई होप के, आई बिलीव के नेट के भी इश्यूज हैं कुछ स्टूडेंट्स के, कनेक्शन का भी है, और समटाइम मेरे जो है नेट में भी, कल तो मेरे सिस्टम में थोड़ा सा इशू लग रहा था मुझे, और एक बार लास्ट क्लास में मुझे याद है कि उसमें नेट का इशू था, बाकी तो क्लासेस ओवरऑल ठीक गई हैं। तो इस वजह से मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा स्लो जाऊं। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू HRM, HR प्रैक्टिसेस हमने देख ली थी लास्ट स्लाइड में, जैसे मैंने बताया HR प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंपनसेशन, एम्प्लॉय रिलेशंस क्या है, ह्यूमन रिसोर्स का क्या ताल्लुक है कंपनी की परफॉर्मेंस से, ये हमने देखा था, ट्रेडिशनल क्या कॉन्सेप्ट था और अभी क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले देख ली थी। ह्यूमन कैपिटल क्या है ये भी हमने देख लिया था। उसके बाद ये है HRM प्रैक्टिसेस, ये सारी प्रैक्टिसेस लीड करती हैं कंपनी परफॉर्मेंस को, और कंपनीज जो हैं वो कंपेटिटिव एडवांटेज लेती हैं। कंपेटिटिव एडवांटेज जो हमने देखा था उसमें यही है कि क्या कोई भी ऐसा एडवांटेज जो एक कंपनी को किसी दूसरी कंपनी के ऊपर होता है इज नॉन एज ए कंपेटिटिव एडवांटेज। वो अच्छे प्रोडक्ट की वजह से भी हो सकता है, पैकेजिंग की वजह से भी हो सकता है, ब्रांड नेम, लोकेशन, आपकी अच्छी HR प्रैक्टिसेस, आपके अच्छे ऑपरेशंस, मशीनरी, ह्यूमन कैपिटल, जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल आपके पास है। तो कोई भी ऐसा एक एडवांटेज या एक से ज्यादा एडवांटेज जो आपके अपने कंपेटिटर के ऊपर है वो आपका क्या कहलाता है, कंपेटिटिव एडवांटेज कहलाता है। Why over here in this slide? कि human resource practices, अगर ये properly align होंगे और आप इनको practice करेंगे, these are strategic HRM, तो company की performance increase करेगी। ये तो introduction था जो इसके अंदर है। फिर मैंने आपको बताया था कि आपकी book के जो है chapter number 13 से हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? Chapter number 13 वो ये सारा introduction है जिसकी theory भी class, मैं आज भी इस class के session में आखर में जो Google Drive मैंने बनाई है उसका link शेयर कर दूंगा। मैंने कल भी शेयर किया था, अगर कल किसी ने मिस कर लिया है तो आज उनको वो मिल जाएगा, जिसके अंदर सारा डाटा मौजूद है, और मैं गूगल ड्राइव के अंदर जो डाटा भी है उसके बारे में बता दूंगा, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन दिया है इसके बारे में कंप्लीट डिटेल नोट्स भी अवेलेबल हैं उसी ड्राइव के अंदर, और अगर आप वो देख लें तो ऑलमोस्ट 5-6 पेजेस के नोट्स हैं, ऑलमोस्ट 6 पेजेस हैं, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा जो कि इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है और जो HR की थ्योरीज हैं उससे रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 13 हम कर रहे हैं जो आपकी बुक में से, मैं कई मरतबा हर सेशन के शुरू में बताया है कि आपकी जो बुक की सॉफ्ट कॉपी है वो जहाँ पे डिस्प्ले की है उसमें से चैप्टर नंबर 13 हम कर रहे हैं, ठीक है, और चैप्टर नंबर 13 के अंदर हमने जो 13 चैप्टर का जो चैप्टर नेम है, टाइटल है, दैट इज HR थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू मोटिवेशन। इसके अंदर हमने मोटिवेशन का भी देखेंगे, मोटिवेशन होती क्या है, उसके लफ्जी मायने भी हमने देख लिए, ठीक है, कि मोटिवेशन आप कहते हैं किसको हैं, और फिर उसके बाद उस चैप्टर के इंट्रोडक्शन बुक के अंदर मैं जाऊंगा, अगर हम साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर चले गए तो वो बुक से आज मैं पढ़ाऊंगा, तो उसमें हम देख लेंगे। इसमें थ्योरीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमने देखी थी, ठीक है, प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू मोटिवेशन, थ्योरी के अंदर हमने डिफरेंट थ्योरीज की एक टेबुलर फॉर्म के अंदर देखा था,
अच्छा क्लास, कुछ क्वेश्चंस आए हैं विंडो के ऊपर आते हैं तो टीचर थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता है कि शायद आवाज नहीं आ रही है, तो चलें आवाज तो आप सबको आ रही होगी, मैं दोबारा से शेयर कर दूंगा और ये स्लाइड्स भी टाइम टू टाइम जो भी अपडेटेड स्लाइड्स होंगी वो मैं आपको उसी ड्राइव पे शेयर करता रहूंगा, उस ड्राइव को आप एक्सेस कर लें, ये वाली स्लाइड्स भी मैं उस ड्राइव पे शेयर कर दूंगा आज, ठीक है? अभी उसके बाद क्वेश्चंस जो है मैं आखिर में लूंगा। अच्छा, ये एचआर की थ्योरीज थी और उसके अंदर हमने डिफरेंट थ्योरीज के बारे में देखा, फिर हमने कंटेंट थ्योरी और प्रोसेस थ्योरी देखी, उसके बाद टेलर्स की जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट हमने देखी और उसके साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेलर के चार जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी हमने देखे इसी चैप्टर नंबर 13 के अंदर। एक स्टडी थी जो मैंने आप लोगों को पढ़ने के लिए दी थी और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर भी 5 मिनट के अंदर आपको कहा था आप पढ़ लें, पिग आयरन स्टडी, जिसके अंदर हमने देखा था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट कैसे की जाती है और उस इलस्ट्रेशन के अंदर, इलस्ट्रेशन आपको बताता चलूं ये फर्दर डिस्क्रिप्शन होती है उस टॉपिक की बट विद अ सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ, तो ये आपकी जो है बुक में से हमने लास्ट टाइम देखा था, ठीक है? फिर उसके बाद मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है, ये हमने देखी जिसके अंदर फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, सेफ्टी नीड्स हैं, लव एंड बिलोंगिंग, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हैं, ठीक है? कल जो हम देख रहे थे, कल थोड़ा सा इश्यू आया था, मैं इसको दोबारा से दोहरा दूंगा, हर्सबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी थी, वन इज द हाइजीन फैक्टर एंड मोटिवेटर्स, ये हमने कल देखा था, इससे पहले के टॉपिक हम डिटेल में देख चुके हैं, अगर आपको कोई इश्यू भी होता है, कल मैंने एक और नंबर भी शेयर किया था जो व्हाट्सएप ग्रुप इस्लामाबाद के उनका, वो भी आप लोगों को मिल गया होगा, उन्हीं स्टूडेंट ने यहाँ पे शेयर किया था, और मेरा जो इस्लामाबाद ग्रुप का जो स्मार्टफोन है वो अभी सही प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, जिसके अंदर मैं लॉग इन हूँ, और इस्लामाबाद ग्रुप एक बना हुआ और एक और ग्रुप बना हुआ है, तो मोस्ट प्रॉब्ली उसके अंदर भी अगर कोई इशू होते हैं तो उसके अंदर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? मेरा ईमेल एड्रेस भी मैंने आप लोगों को दिया हुआ है और अदनान आपके एक जो सीआर है उनके साथ भी शेयर है, ठीक है? तो जो इससे पहले के वाले हैं, जो आज है, इसके बाद भी कोई क्वेश्चन हो सकता है तो आप मुझे पर्सनली तौर पे इनबॉक्स कर सकते हैं, ठीक है? मेरा नंबर भी आप लोगों के पास है। अच्छा, हर्ज़बर्ग की टू फैक्टर थ्योरी, ये अगेन मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम कल ऐसा हुआ था कि कुछ डिसकनेक्शन भी थी और वॉइस का फैक्टर भी था, होपफुली आज नहीं होगा, ठीक है? अच्छा क्लास, अगेन क्वेश्चन अगेन आखिर में लेंगे। अच्छा, हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेटर्स यहां पे थे, सॉरी ये मैं समझ के। अच्छा, हाइजीन फैक्टर्स के अंदर पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर स्टाफ ट्रीटमेंट, आपने क्या पॉलिसी एंड प्रोसीजर है, कंपनी की जो पॉलिसी है रिलेटेड टू एचआर कि स्टाफ को कैसे ट्रीट करना है, क्या फैसिलिटीज आपने देनी है, क्या उनको हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड आपने ट्रीट करना है, ये सारी चीजें क्या है हाइजीन फैक्टर के अंदर आते हैं। सुटेबल लेवल एंड क्वालिटी ऑफ सुपरविजन, ये कल देखा था क्वालिटी ऑफ सुपरविजन के अंदर, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, सुपरवाइजर का क्या रोल है, कैसे वो क्वालिटी ऑफ सुपरविजन कर सकता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, इंटरेक्टिव होनी चाहिए, कम्युनिकेशन बहुत फे होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल हो जब पॉसिबिलिटी हो, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए आपके सुपरवाइजर्स का, डेलीगेट अथॉरिटी डेलीगेट करना और एम्पैथी, उसके अंदर हमदर्दी होनी चाहिए, प्लेजेंट फिजिकल एंड वर्किंग कंडीशंस, ठीक है, फिजिकल एंड वर्किंग कंडीशंस जो है वो प्लेजेंट होनी चाहिए, इसके अंदर मैंने आपको लास्ट टाइम पहले भी सेब्रो की एग्जांपल दी थी, सेब्रो यहां पे सेब्रो टेक्नोलॉजीज हैं जो एसी बनाते हैं, वो मकमॉडल टाउन में इनकी प्रोडक्शन फैक्ट्री है, वो विजिट की तो वहां पे भी कुछ इश्यूज थे जो कि उनके फिजिकल और वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड जो हमने देखे जो कि इम्पैक्ट करते हैं एम्प्लॉयज की वर्किंग के ऊपर, और वहां पे एक और कल्चर हमने देखा असन डेम का था कि वहां पे कंपनी के एक्सटर्नल फैक्टर्स इंपैक्ट कर रहे थे जिसकी वजह से कंपनी उनको बोनसेस नहीं दे सक रही थी, और जो सैलरी के अंदर परसेंटेज थी जो प्रॉफिट की वो 2008 से सेब्रो ने एनर्जी क्राइसिस की वजह से बंद की हुई थी, तो वो इश्यूज भी थे, लेकिन फिजिकल के अंदर जहां पे वो रह रहे हैं, जहां पे काम कर रहे हैं,
वो उनकी वर्किंग कंडीशन कैसी है, वो लोकेलिटी कैसी है। मैंने आपको वोल्टा बैटरी की एग्जांपल दी थी जहाँ पे उसका 19, दैट्स अ ट्रू एग्जांपल, 19% जो है वो उसका फॉल्ट रेट था और वो वापस आती थी। वोल्टा बैटरीज की जो अंदर है वहाँ पे उनकी प्रोडक्शन सही नहीं होती थी। जब उन्होंने 24 एरियाज आइडेंटिफाई किए तो उन एरियाज के अंदर जिसमें फिजिकल वर्किंग कंडीशन जो है वो सही नहीं थी, जिसमें मैंने वॉशरूम्स का भी आपको जिक्र किया और हाइजीन के अंदर उनकी जो डाइट के इश्यूज भी थे क्योंकि इंटरनल कैंटीन नहीं थी। बेसिक सैलरी, सैलरी बहुत ज्यादा मैटर करती है कैसी है, एंड स्टेटस फॉर द जॉब और टीम वर्किंग। ये कल लास्ट टाइम मैं टीम वर्किंग के ऊपर एम्फसाइज कर चुका हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जो इनसाइड कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का वो कैसा है। हाइजीन फैक्टर को मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर हैं, ये बाहर के ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहलाते हैं, जो कि आउटसाइड जिस जगह पे काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। क्यों, इसके ऑपोजिट जो मोटिवेटर्स हैं ये इंट्रिंसिक है, ये इंसान के अंदर से जो होते हैं और जो उसकी सेंस ऑफ अचीवमेंट है, जैसे जो उसका गोल है, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उसकी वर्किंग है, ये उससे रिलेटेड है। सेकंड थ्योरी थी मोटिवेटर, इसमें क्या सेंस ऑफ अचीवमेंट, क्या क्या कुछ मैं अचीव कर सकता हूँ, क्या गोल्स हैं, हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या है, रिकग्निशन ऑफ गुड वर्क, अच्छा काम जो करे उसकी अप्रिसिएशन हो। आगे आके आज भी हम साइकोलॉजिकल हैंडी, साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी इसको हम देखेंगे, ठीक है। और ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि अगर आप एक काम अच्छा करते हैं उसकी रिकग्निशन ना, और मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, मैं ऑयल कंपनी में जॉब करता था और उस कंपनी के अंदर वाकई जियोफिजिस्ट होते हैं, जियोलॉजिस्ट होते हैं, वन ऑफ द जियोफिजिस्ट, उसने कहा कोई ऐसा तरीका हो कि जो मैं रिपोर्ट राइटिंग करता हूँ उसके अंदर मेरे काम की जो है वो वहां पे मेरा नाम लिखा और मेरा नाम कोई भी रिपोर्ट के अंदर से रिमूव ना कर सके, ठीक है। बट अगेन ही नीड्स इन दैट इन आई नो के पीडीएफ में तो हो सकता है, लेकिन दैट रिक्वायर्स, ही रिक्वायर्स इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। तो दीज आर द इश्यूज, क्योंकि उसके बॉस जो है उसके काम को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। इंक्रीजिंग लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। कैरियर एडवांसमेंट क्या है, ठीक है, कैसे कैरियर के अंदर एडवांसमेंट है कि नहीं है, ये इसी मोटिवेटर का एक फैक्टर है। जॉब रोटेशन, अगर कैरियर के अंदर एडवांसमेंट नहीं है तो लोग क्या करते हैं कि उस जगह पे जाने की कोशिश करते हैं जो जगह जहाँ पे उनको कैरियर के अंदर फर्दर प्रोग्रेशन हो, फर्दर लर्निंग हो, क्रिएटिविटी हो, चैलेंजिंग जॉब हो और सैलरी भी अच्छी हो, ठीक है, क्योंकि लोग एक जॉब करते हुए तंग आ जाते हैं। अट्रैक्शन ऑफ द जॉब इटसेल्फ, इसके अंदर दो तीन चीजें आती हैं इटसेल्फ के अंदर। जॉब इटसेल्फ में एक तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है जो मैं करना चाहता हूँ लाइफ के अंदर, जो अचीव करना चाहता हूँ और जो मेरे गोल हैं, ठीक है, जो मैं बनना चाहता हूँ, क्या वो मेरी जॉब के अंदर वो मुमकिन है कि नहीं है, ठीक है। और दूसरा, मेरे एक टीचर ही कहते थे कि जॉब जब भी आप कर रहे हो तो तीन चीजें जरूरी होती हैं। एक चीज होती है लर्निंग, दूसरी चीज है उसका सोशल स्टेटस, कि किसी को बताते हुए कि हाँ जी मैं पीसी में जॉब करता हूँ, मैं आईसीएम में जॉब करता हूँ, मैं जैबिस में पढ़ा रहा हूँ, मैं नमल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं मैरियट में जॉब कर रहा हूँ, मैं टेलीनॉर में कर रहा हूँ, मैं मोबिलिंग में कर रहा हूँ। तो दूसरी चीज क्या आ गई, उसका सोशल स्टेटस, एंड अट्रैक्शन ऑफ द जॉब में सोशल स्टेटस भी आता है। और तीसरी उन्होंने कहा था सैलरी। अगर इनमें से दो चीजें भी आपको मिल रही हैं तो आप वो जॉब ज्वाइन कर लें। मैं अगेन बता देता हूँ, तीन चीजें, वन जहां पे लर्निंग हो रही हो आपकी, आप लर्न करें और आप आगे जो है आपको पता है कि मैं प्रोग्रेस कर सकता हूँ। दूसरा स्टेटस ऑफ द जॉब, अट्रैक्शन ऑफ द जॉब इटसेल्फ, ठीक है, इसके अंदर सोशल स्टेटस भी आता है। और क्या उसके अंदर ये अट्रैक्शन है कि जो मेरे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे मीट कर रही है कि नहीं कर रही है। और तीसरा सैलरी, अगर इन तीनों में से दो भी होती हैं तो आप जॉब कर लें। अगर आपको अच्छी सैलरी नहीं है लेकिन उसका स्टेटस अच्छा है और उसके अंदर लर्निंग है, आप उस जॉब को ज्वाइन करते हैं। अगर उसके अंदर लर्निंग इतनी नहीं है लेकिन सैलरी बहुत अच्छी है और उसका स्टेटस भी अच्छा है तो फिर भी आप लोग जॉब को ज्वाइन कर लेते हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स, तो ये वो मोटिवेटर्स हैं कि क्या अचीवमेंट हो रहा है, क्या लर्निंग हो रही है, मेरा कैरियर एडवांस हो रहा है कि नहीं हो रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मुझे ट्रस्ट करते हैं और मुझे वैल्यू करते हैं कि नहीं करते, दैट्स अबाउट द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी मोटिवेटर के अंदर हर्ज़बर्ग ने तीन में बताया कि जॉब स्टाफ क्यों सेटिस्फाइड होता है और क्यों मोटिवेशन होती है। एक थी जॉब इनरिचमेंट, जॉब इनलार्जमेंट एंड थर्ड इज द जॉब रोटेशन।
ये क्वेश्चन एनरिचमेंट एंड अलॉटमेंट के फर्क के बारे में आया था, इसके बारे में मैं दोबारा से बता दूं, शायद कल क्लियर हुआ या नहीं हुआ। जॉब एनरिचमेंट में है कि प्लान प्रोसेस टू इम्प्रूव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप क्या करते हैं। अगर आप सेकेंड पॉइंट को देखें, सिंपल है, एडिंग मोर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू देयर जॉब, यानी आप उस पर ट्रस्ट करते हुए उसकी डिस्क्रिशन पे रख देते हैं। हाँ, आप को ये हम अथॉरिटी देते हैं आपके अपने तौर पे पूछने की या परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, सिचुएशन को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग आप खुद से डिसीजन ले ले, ठीक है। ये जॉब एनरिचमेंट है, दैट्स मीन आपने उसके ऊपर ट्रस्ट करते हुए उसको और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दे दी है, ठीक है। ये क्या है, अ डेलिब्रेट एंड अ प्लान प्रोसेस टू इम्प्रूव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, चैलेंज एंड क्रिएटिविटी ऑफ द जॉब। एनरिचमेंट में अंदर क्या है, आप उसको एम्पावर कर रहे हैं और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दे रहे हैं, ठीक है। एनलार्जमेंट में क्या है, आप उसकी रेंज ऑफ जॉब्स को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आई विल कम बैक टू एनरिचमेंट। एनरिचमेंट के अंदर कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी कि एनरिचमेंट में कैसे लोग मोटिवेट होते हैं या सेटिस्फाइड कैसे होते हैं, जिसके अंदर मैं बताता हूं, जैसे एक सेल्स पर्सन है जो कि सेल कर रहा है और उसको मैनेजमेंट ने ये अथॉरिटी दे दी है और ये डिसीजन मेकिंग पावर दे दी है कि आप कस्टमर की प्रॉब्लम्स को खुद से रिजॉल्व करें, सिचुएशन को देखते हुए, अपनी जजमेंट को देखते हुए, अपने तजर्बे को देखते हुए आपको ये हमने अथॉरिटी दी है। और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि हाँ, आपके पास ये भी अथॉरिटी है कि आप अगर कोई कस्टमर चीज लेके आता है और उसके रिटर्न में उसको पैसे चाहिए तो आप ये कर सकते हैं, रिफंड्स आप कर सकते हैं, और साथ साथ अगर कोई चीज रिप्लेस करना चाहता है तो आप कर सकते हैं। इट सीम्स वेरी सिंपल, लेकिन अगर आपको बताता चलूं तो बहुत सी ऐसी जगह है जहां पे ऐसा नहीं होता। आप अपने सुपरमार्केट्स के अंदर ऑब्जर्व कर लें तो सुपरमार्केट्स के अंदर जो रिटर्न का है, जिसमें आप कभी कोई चीज वापस करना चाहें तो हर काउंटर पे आपने देखा होगा कि वो वापस नहीं लेते, हर काउंटर वाले के पास ये अथॉरिटी नहीं होती है हर सेल्स पर्सन के पास कि वो आपकी चीज लेके आपको पैसे वापस दे दें, उसके लिए एक स्पेशल काउंटर बनाया जाता है। तो वो जो स्पेशल काउंटर है, उस पर्सन को आपने ये डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दी है और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर रहा है बाकी दूसरों से कि दूसरों के ऊपर या तो फिर ट्रस्ट नहीं है और उनको इतनी ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर नहीं दी है, ये मुझे दी गई है, तो वो उस लिहाज से मोटिवेटेड होगा और वो सेटिस्फाइड होगा कि मैं खुद से जो है रिफंड कर सकता हूँ और मैं खुद से जो है मर्चेंडाइज को, किसी प्रोडक्ट को तब्दील कर सकता हूँ, तो ही विल बी मोर मोटिवेटेड। एल्स क्या होता है, कुछ सुपरमार्केट्स के अंदर ये प्रैक्टिस है कि आपके पास कोई रिफंड आता है किसी भी सेल्समैन के पास, तो वो सुपरवाइजर को कॉल करते हैं और सुपरवाइजर आता है उस टेल मशीन के अंदर, रिफंड का एक पासवर्ड होता है, उस पासवर्ड को एंटर करता है और उसके बाद वो सेल्स पर्सन इस काबिल होता है कि वो उसके अंदर उस रिफंड को दे सके या उस मर्चेंडाइज को तब्दील कर सके। तो दीज आर द जॉब एनरिचमेंट, जिसके अंदर जॉब के अंदर एक्स्ट्रा उसको अथॉरिटी दी है, और ये आप लोग जाएंगे आप प्रैक्टिकल में तो आप यू विल फील दैट रियली दैट इज अ रियली डेलिब्रेट अटेम्प्ट के मैनेजमेंट जो है वो एक्स्ट्रा डिसीजन मेकिंग पावर देती है और यू विल बी मोर मोटिवेटेड एंड यू विल बी मोर सेटिस्फाइड। इसके अंदर मैंने आपको अपने HOD का भी बताया था कि HOD साहब से मैंने बच्चों को सेमिनार में लेके जाना था और मैं उनकी परमिशन चाह रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर, और उस टाइम उनसे रब्ता नहीं हो सका। नेक्स्ट टाइम उन्होंने फिर जब वो मिले मुझसे कहा कि सर आप मुझे कॉल कर रहे थे, मैं मीटिंग में बिजी था। मैंने उन्हें कहा कि सर एक सेमिनार था और आई बिलीव को सेमिनार ज्यादा अच्छा था, तो मैं चाह रहा था कि बच्चों को वहां पे ले जाऊं। तो व्हेन ही रिप्लाइड कि सर अगर आप समझते हैं कि कोई भी ऐसा सेमिनार या वर्कशॉप इम्पोर्टेंट है तो मेरे से पूछे बगैर आप वहां पे बच्चों को ले जाया करें। आपका क्वेश्चन ये होगा, जहन में आता होगा कि ये तो पहले भी, क्योंकि इससे पहले जो अथॉरिटी थी, जो इससे पहले मैनेजमेंट थी, उसके ये था कि मस्ट यू हैव टू टेक परमिशन, लेकिन जब ये मैनेजमेंट चेंज हुई, नए आए और उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप समझते हैं तो आप
कि इम्पोर्टेंट है, तो बेशक आप क्लास छोड़ दें, क्लास से अपने बच्चों को उस सेमिनार में ले जाएं। एंड आई रियली फील प्राउड, ठीक है, और फील ट्रस्टेड, ठीक है, फील ऑब्लाइज्ड कि मेरे एचओडी ने कितना ट्रस्ट किया है मेरे ऊपर, और आई वॉज मच मोर मोटिवेटेड। अच्छा, एनलार्जमेंट के अंदर वाइडनिंग द रेंज ऑफ जॉब्स एंड सो डेवलपिंग अ जॉब अवे फ्रॉम नैरो स्पेशलाइजेशन, अब मल्टीपल टास्क दे देते हैं, ठीक है, टेकिंग चार्ज ऑफ मोर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विच आर नॉट मेंशन इन द जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अ टीचर इज गिवन एन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब एज वेल। अब फर्क अगेन एनरिचमेंट के अंदर क्या करते हैं, आप उसी जॉब के अंदर उसको मोर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दे देते हैं। सेल्समैन को ये भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दे दी कि आप रिफंड भी कर सकते हो और मर्चेंडाइज तब्दील भी कर सकते हो। और एनलार्जमेंट में क्या है, आप दो टास्क कर रहे हो, आपको एक और टास्क दे दी, ठीक है। नैरो स्पेशलाइजेशन एक होता है कॉन्सेप्ट मायोपिया का, कि आप एक चीज के अंदर नहीं हो, अब आपके पास ब्रॉडर है और आप नैरो डाउन नहीं हो टूवर्ड्स वन और टू जॉब्स के अंदर, बल्कि आपके पास थोड़ी सी ब्रॉडर जॉब है। यहाँ पे एग्जाम्पल ऑथर ने दिया, अ टीचर इज गिवन एन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब एज वेल। सो अगर आप देखें तो विद इन अदर टीचर्स, अगर एक टीचर को दे दी गई है, और श्योरली ये मैनेजमेंट का रोल होता है कि वो देखता है कि कौन से ऐसे कैपेबल भी हैं, हार्ड वर्किंग है, तो उनको एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, तो ही विल फील ऑब्लाइज्ड प्रिविलेज्ड कि ठीक है कि मैनेजमेंट ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है और मुझे एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब भी दे दी है, जिसके लिए मैंने अगर आपको लास्ट टाइम एग्जाम्पल दी थी कि अगर इफ यू हैव टू हैंडल सेमिनार्स, तो जी सेमिनार्स जो भी होंगे उसकी एडमिनिस्ट्रेशन आपने करनी है। और जैसे ICMA इस्लामाबाद के अंदर टेट टॉक होती है, डिफरेंट स्टूडेंट्स मिलके करवाते हैं, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन में गए, सर हम चाहते हैं कि अगर आप इस टेट टॉक ओवरऑल मॉनिटर करें, ऑब्जर्व करें और एडमिनिस्ट्रेट करें, तो आई विल रियली फील प्राउड कि ठीक है, हाँ भाई ये एडिशनल जो है वो एक रिस्पेक्ट दी है, ऑनर दी है कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब भी दे दी है, ठीक है। अगेन इस चीज़ को मैंने बताया था कि डिपेंड करता है, व्हेन यू बिकम इन चार्ज ऑफ सम सोसाइटी, अगर कोई आपको एडमिनिस्ट्रेशन जॉब दी जाती है, तो सम टाइम उसमें है कि आपके ऊपर टीचिंग का वर्कलोड थोड़ा सा कम भी कर दिया जाता है। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन एज वेल। तो एनलार्जमेंट में आप एक एक्स्ट्रा जॉब जो है वाइडन कर देते हैं उसकी जॉब्स को, फ्रॉम नैरो स्पेशलाइजेशन टू द वाइडनिंग टू द रेंज ऑफ द जॉब्स। इसके लिए कल मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, लंदन में माइटी सिक्योरिटी में जब मैं जॉब करता था, तो वहां पे मुझे वाकई एक हॉट सीट के ऊपर, उसको हॉट सीट कहते थे, बिठा दिया गया था, जिसके अंदर मल्टीपल थी, और कंट्रोल रूम के अंदर 5 लोग काम करते थे, जिनको हम कंट्रोल रूम मैनेजर्स भी थे, ठीक है, और कंट्रोल रूम ऑपरेटर थे। उसके अंदर हॉट सीट पे वही बैठता था जो वेल ट्रेंड होता था, एक्सपीरियंस होता था, और जो इस काबिल होता था कि वो हॉट सीट को मैनेज कर सके। तो जब लोग उस पे जो बैठते थे, दे फील प्राउड। एडिशनल कोई आप मॉनेटरी बेनिफिट की बात करें तो नहीं होता था, लेकिन हर बंदा वहां पे नहीं बैठ सकता था, सिर्फ उसको बिठाते थे जो कि उसको मैनेज कर सकता था, और जो वहां पे बैठता था ही फील मोर प्राउड इन दैट कि ठीक है, मैं इस काबिल हूं कि मैं हॉट सीट के ऊपर बैठ सकता हूं, ठीक है। जॉब रोटेशन, ये बाय थ्योरी अगर आप देखें तो हर कंपनी करती है। मैंने आपको कल भी बताया कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज आप देख लें, जितने मैंने पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट 18-19 इंडस्ट्रीज विजिट की हैं, ठीक है। व्हाई आई एम सेइंग इन पाकिस्तान, बिकॉज आई हैव विजिटेड 5-6 इंडस्ट्रीज इन साउथ अफ्रीका एज वेल। तो जहां पे भी देखा है वहां पे ये है कि मुख्तलिफ हमें जो विजिट कराना, यहाँ पे सैब्रो में जो आदमी विजिट करा रहा था वो 8 साल ऑपरेशन में आई बिलीव रहा है, और अब वो क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर था, ठीक है, ऑपरेशन में टूवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ द एसी एंड नाउ in the enhanced towards the quality assurance. तो जिस जगह पे भी job rotation होती है, ठीक है, इसके description के अंदर अगर आप खुद से study करें, या notes जो मैंने दिए था, I believe उसके अंदर job rotation के बारे में भी होगा। अगर description के अंदर जाए तो sometime ऐसा होता है कि company job rotate इस लिहाज से भी करती है कि employees जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, ठीक है, जब काम करते हैं तो ओवरऑल कंपनी की सारी फंक्शनैलिटी को वो अंडरस्टैंड करते हैं, और पूरे कंपनी के जो बिजनेस है, जो वर्किंग है, उसको ABC से लेकर XYZ तक उनको उसके बारे में पता होता है, और वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी उस जॉब के बारे में, और उनको सारा ओवरऑल प्रोसेस पता होता है कि यहाँ भी ओवरऑल सारा काम कैसे होता है। तो
ये टू नो मोर अबाउट द कंपनी, कंपनी की वर्किंग प्रोसीजर्स उसके बारे में, ठीक है। एक और चीज होती है जो कि इससे रिलेटेड समटाइम्स स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो होती है ट्रेनिंग, जब आपको हायर किया जाता है जैसे कोका कोला के अंदर, उसका मुझे फॉर श्योर पता है कि वहां पे 6 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है और हर डिपार्टमेंट के अंदर 4 to 5 days हर एम्प्लॉय को लगाए जाते हैं। उसका तो पर्पज ये होता है कि एक एम्प्लॉय को पता लगे कि स्क्रैच से रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तक कैसे प्रिपेयर होता है और कैसे मार्केट के अंदर उसको भेजते हैं, तो वो कंपनी के ओवरऑल सारे फंक्शनैलिटी और प्रोसीजर से वेल अवेयर हो जाते हैं। ये तो ट्रेनिंग का पार्ट होता है। और उसके अलावा जो जॉब रोटेशन है, अब आप एक जगह पे काम कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कल एग्जांपल दी थी कि एक क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर एक आदमी 8 साल से काम कर रहा है और दिन के अंदर उसने 30 प्रोडक्ट की क्वालिटी एश्योरेंस करनी है और उसके SOPs के अंदर 6 स्टेप्स हैं क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग के, कि ये 6 स्टेप आपने परफॉर्म करने ऑन द डेली बेसिस के ऊपर। जब भी प्रोडक्ट आएगा 6 चीजें आपने चेक करनी है, वो 6 चीजें ओके हैं तो आपने उसके बाद उसके ऊपर क्वालिटी एश्योरेंस की, क्वालिटी कंट्रोल की स्टैंप लगानी है और उस प्रोडक्ट को पास ऑन कर देना है टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेज, और वो स्टेज होगी पैकेजिंग की। श्योरली अगर आप समझे तो जब प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है एंड देन पैकेज करके फिनिश गुड आप देते हैं टूवर्ड्स द कस्टमर। अब वो ये शख्स 30 प्रोडक्ट डेली आके करता है और 6 स्टेप्स को रिपीट कर रहा है और पिछले 8 साल से करता रहेगा, तो वो फेड अप आएगा हो जाएगा और एक वक्त आएगा कि वो उस जॉब को छोड़ना चाहेगा, तो कंपनी फिर क्या कर देती है, उसकी जॉब को उसको रोटेट कर देती है, इस जॉब से चेंज करके दूसरी जॉब पे ट्रेन करके उसको नई जॉब दे देती है जहां पे उसके अंदर जो है वो नया चैलेंज होगा, नई लर्निंग होगी और जो है वो बेहतर तरीके से बोर भी नहीं होगा और बेहतर तरीके से अब नए काम को परफॉर्म करेगा। क्लास रिमाइंड मी, मैंने कल भी कहा था आज पूरी कोशिश करूंगा आज शाम तक मैं एक और इसी से रिलेटेड है जहां पे मोनोटनी की बात करते हैं, एक ही ढंग में एक ही तरीके से और एक ही अरसे से एक ही काम करते हुए जब लोग थक जाते हैं, उससे रिलेटेड एक रिसर्च पेपर है 4 to 5 pages का मिड कैरियर क्राइसिस हार्वर्ड का, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। एक रिसर्च पेपर ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है, उसको हम देख लेंगे किस तरह करना है और वो मैं देखता हूँ जब, क्योंकि इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, HR की इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि वो आपने कब पढ़ के आना है और उसको हम नेक्स्ट टाइम जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ये रिसर्च पेपर भी मैं होपफुली आपको जो है वो शेयर कर दूंगा, ठीक हो गया। अच्छा क्लास, अगर इफ यू रिमेम्बर लास्ट टाइम हमने एक रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आई थी जो कि मैंने कहा था मैं अभी नहीं, लेटर ऑन आपको जो है रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी पढ़ा दूंगा। आज जो हम देखेंगे, आई होप के जो हर्ज़बर्ग्स 2-फैक्टर थ्योरी है वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट इज द रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, क्वेश्चन आंसर एज आई सेड आखिर में लूंगा। अगर आपको हर्ज़बर्ग्स की थ्योरी से या 2-फैक्टर थ्योरी और उसके जो मोटिवेशनल फैक्टर्स है उनसे रिलेटेड है तो वो मैं आखिर में इंशाल्लाह आपसे ले लूंगा, ठीक है। अच्छा, रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, अगेन वी आर स्टडिंग, हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, आई एम टीचिंग यू थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, जिसके अंदर हमने मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स देख ली है, हमने टेलर्स की साइंटिफिक मैनेजमेंट देखी है, हर्ज़बर्ग्स की 2-फैक्टर थ्योरी देखी है और इसके बाद जो है वो रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, ठीक है। रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या कहती है, ठीक है, इसके अंदर कहता है कि जैसे उसने क्या कि मास्लो और हर्ज़बर्ग्स ने रिलेशनशिप आइडेंटिफाई किया है बिटवीन द इंटरनल नीड्स एंड द रिजल्टिंग एफर्ट्स टू फुलफिल देम, ठीक है। इंटरनल नीड्स क्या है और उसके अगेंस्ट लोग क्या एफर्ट्स करते हैं ताकि उन नीड्स को कैसे फुलफिल किया जा सके। वेयर एज रूम्स की जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है वो क्या है, वो एफर्ट्स को, ठीक है, परफॉर्मेंस और आउटकम को जो है वो सेपरेट करती है। कैसे, वो हम इसको जब देखेंगे तो आपको आखिर में बाय द एंड ऑफ दिस आपको क्लियर हो जाएगा। रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या कहती है, सीक्स टू एक्सपेन व्हाट मोटिवेट्स पीपल टू चूज वन ऑप्शन ओवर अनदर, क्या चीज लोगों को मोटिवेट करती है, ठीक है, कि वो एक ऑप्शन को चूज करते हैं दूसरे को इन सिंपल वर्ड नहीं चूज करते।
मैं आपको एग्जांपल से आगे समझाऊंगा कि हाँ भाई लोग क्यों नहीं, क्यों ऐसा नहीं करते, और इसके अंदर सुपरवाइजर का रोल, मैनेजर का रोल, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, ये मैटर करता है. इन सिंपल क्या कहती है, व्हाट मोटिवेट्स पीपल टू चूज वन ऑप्शन ओवर अनदर. क्या चीज मोटिवेट करती है लोगों को कि वो एक ऑप्शन को क्यों चूज करते हैं, दूसरी को चूज क्यों नहीं करते. ठीक है, फैक्टर्स ऑफ एक्सपेक्टेंसी थ्योरी. ठीक है, थ्री कंपोनेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स या फैक्टर्स हैं एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के. फर्स्ट इज द एक्सपेक्टेंसी, सेकंड इज द इंस्ट्रूमेंटलिटी, और थर्ड इज द वैलेंस. अगर आपको याद हो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि हर्ट्ज़बर्ग और मैस्लो ने आइडेंटिफाई की इंटरनल नीड्स, और उन इंटरनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए लोग क्या एफर्ट्स पुट करते हैं. हर्ट्ज़बर्ग और मैस्लो की थ्योरी उससे रिलेटेड थी, जबकि रूम्स कहता है उसने सेपरेट किया है एफर्ट को, परफॉर्मेंस को, और उसके बाद जो उसके एक्सपेक्टेड आउटकम है या रिवॉर्ड है उसको. ठीक है, अब इसके थ्री कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या कहते हैं. वन इज एक्सपेक्टेंसी, सेकंड इज इंस्ट्रूमेंटलिटी, और थर्ड इज वैलेंस. हम वन बाय वन एक इनको देख लेते हैं. पहला फैक्टर्स ऑफ एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एक्सपेक्टेंसी है. ठीक है, और दैट इज एफर्ट. एक्सपेक्टेंसी एफर्ट, द लेवल ऑफ एन एम्प्लॉय इज विलिंग टू एक्सर्ट in hope, the level of an employee is willing to exert in hope that increased effort will result in better performance. ke main ye effort karunga to iske result ke andar performance kya hogi, better hogi. and what is that, that is expectancy. second is performance, instrumentality, the belief that is you perform well a valued outcome will be received if you perform well. ye is received do dafa aage, will be received if you perform well. agar aap perform well karenge, acha karenge, to kya hoga, valued outcome aayegi. theek hai, the belief that is you perform well a valued outcome will be received if you perform well. theek hai, आप जब अच्छा परफॉर्म करेंगे तो एक वैल्यू आउटकम आएगी. और वैलेंस क्या, रिवॉर्ड, द इंपॉर्टेंस दैट द इंडिविजुअल प्लेसेस अपॉन द एक्सपेक्टेड आउटकम. जो इंडिविजुअल है, जो एक्सपेक्टेड आउटकम आ रही है, उसको कितनी वक्त या इंपॉर्टेंस देता है. ठीक है, आई नो कि ये काफी कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा. ठीक है, लेकिन तीन फैक्टर्स अगेन है, एक्सपेक्टेंसी, एफर्ट, इंस्ट्रूमेंटलिटी और वैलेंस. ठीक है, ये एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के हैं. और एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या कहती है, ये क्या मोटिवेट करता है लोगों को कि वो एक ऑप्शन को चूज करते हैं दूसरी के ऊपर, यानी दूसरी को नहीं चूज करते, इस एक को क्यों चूज किया है. इनको मैं आपको एक एग्जांपल से देता हूं, क्लास लेसन केयरफुली. एग्जांपल ये है कि एक सुपरवाइजर या मैनेजर अपनी एक सेल्स पर्सन को एक टारगेट देता है कि अगर आप 7 दिनों के अंदर, यानी एक हफ्ते के अंदर, 1,00,000 रुपए की सेल करोगे तो मैं आपको 5,000 रुपए बोनस दूंगा, या यस सेल्स कमीशन दूंगा. ठीक हो गया, क्या है, अगर आप 7 दिन, 7 दिन आगे, सेकंड क्या है, 7 दिनों में आपने क्या करना है, 1,00,000 रुपए की सेल करनी है, तो उसके अंदर रिवॉर्ड क्या मिलेगा, आपको 5,000 रुपए कमीशन मिलेगा, बोनस मिलेगा, एडिशन टू योर सैलरी. एक टारगेट दे दिया, ठीक है, और टारगेट के अंदर उसने बता दिया, उसके अंदर टाइम भी दे दिया, और उसके अंदर जो है मनी कितने आपने सेल करनी है, और उसके बाद उसके अगेंस्ट उसका रिवॉर्ड भी दे दिया. अब वन बाय वन इन तीनों चीजों को देख लें. ठीक है, पहला क्या है, एक्सपेक्टेंसी. ठीक हो गया, एक्सपेक्टेंसी क्या है कि अब वो सेल्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाएं. ठीक है, कि वो ये सोचेगा कि ये होगा कि नहीं होगा, क्या 7 दिन में मैं कर लूंगा. ठीक है, होप दैट इंक्रीज एफर्ट विल रिजल्ट इन
बेटर परफॉर्मेंस. अब इसका एटीट्यूड पॉजिटिव है, वो कहेगा यस नो वे आई विल डू इट, मैं ये 7 दिन में कर लूंगा. एंड दैट इज द एक्सपेक्टेंसी. अगेन आई रिपीट कि हाँ जी 7 दिन में होगा के नहीं होगा, व्हाट इज दैट एक्सपेक्टेंसी. ठीक है, इंस्ट्रूमेंटैलिटी क्या है, वो क्यों परफॉर्म करेगा. ठीक है, अगर मैं परफॉर्म वेल करूंगा तो एक आउटकम आएगी. वो सोचता है कि हाँ लास्ट टाइम भी मैंने ये काम किया था, मुझे एक टारगेट दिया था और मैंने उसको अचीव कर लिया था. ठीक है, तो मुझे मैनेजमेंट ने उसका बोनस, उसका कमीशन दिया था. अब ये जो जजमेंट है कि मैनेजमेंट क्या करेगी, वो क्या कहलाएगी, वो इंस्ट्रूमेंटैलिटी है. ठीक है, हाँ भाई लास्ट टाइम भी दिया था और इस दफा भी मुझे ये रिवॉर्ड देंगे. ठीक है, तो क्या है, द बिलीफ इफ यू परफॉर्म वेल एन आउटकम विल बी रिसीव्ड. ठीक है, और वैलेंस क्या है, द इंपॉर्टेंस दैट द इंडिविजुअल प्लेसेस अपॉन द एक्सपेक्टेड आउटकम. इंपॉर्टेंस, क्या 5,000 इतनी एफर्ट्स के, लाख रुपए का जो है वो मैंने सेल्स टारगेट अचीव करना है, लाख रुपए की मैंने सेल्स करनी है उसके अगेंस्ट, और वो भी मैंने 7 दिन में करनी है, उसके अगेंस्ट मुझे क्या मिल रहा है, मुझे 5,000 रुपए मिल रहा है. तो बैलेंस क्या है, 5,000 वर्थवाइल है कि नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, थोड़े हैं बहुत ज्यादा, या मुनासिब हैं या बहुत ज्यादा हैं, ये सारे क्या है, ये वो इंपॉर्टेंस है जो इंडिविजुअल उस एक्सपेक्टेड आउटकम के ऊपर, और वो आउटकम क्या है, रिवॉर्ड है, और वो क्या है 5,000 रुपए, उसके ऊपर वो जज कर रहा होता है. इज 5K वर्थ ऑल ऑफ द हार्ड वर्क, इतना ज्यादा काम करूं तो 5,000 रुपए वर्थ वाइल है कि नहीं है. सो मच हार्ड वर्क, ओनली 5K, इतना ज्यादा हार्ड वर्क और सिर्फ 5K, इज इट पॉसिबल टू रीच 1,00,000, ये सारी चीजें क्या है, ये बैलेंस है. वंस अगेन आई रिपीट के मैनेजमेंट ने एक टास्क दी, और टास्क क्या है कि हाँ जी आपने 7 दिन में 1,00,000 रुपए की सेल करनी है और उसके रिजल्ट के अंदर मैं आपको 5,000 रुपए कमीशन दूंगा. अब वन बाय दे एक्सपेक्टेंसी क्या है, ये होगा कि नहीं होगा, 7 दिनों में मैं कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा. इफ इट्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड, यस आई विल डू इट. इंस्ट्रूमेंटैलिटी क्या है, लास्ट टाइम मैंने जब किया था और मैंने टारगेट अचीव किया था तो मुझे दिए गए थे. ठीक है, इफ आई परफॉर्म वेल, ठीक है, आ वैल्यूड आउटकम विल बी रिसीव्ड. ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंटैलिटी होगी. और नेक्स्ट ये जजमेंट है, क्या 5,000 वर्थ फॉइल ने इतनी ज्यादा एफर्ट्स को करना, 7 दिनों के अंदर 1,00,000 के उसको अचीव करना के नहीं. तो ये वो सारी चीजें हैं जिस पे अगर इफ कम बैक टू दिस थिंग कि हाँ जी लोग एक चॉइस को क्यों चूज करते हैं किसी दूसरी के ऊपर. ठीक हो गया. इसके अंदर अगेन ऑथर कहता है इसी पॉइंट को, रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ समवन इज मैनली मोटिवेटेड बाय मनी, एक मनी से मोटिवेटेड है, और अगर आप उसको एडिशनल टाइम ऑफ दे देते हैं, ठीक है, या फिर आप उसको लेटर ऑफ एप्रिसिएशन दे देते हो, तो वो मोटिवेटेड नहीं होगा, उसे क्या है, पैसे चाहिए. या आप उसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बना देते हो कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है, ये बहुत एफर्ट्स पुट करता है, वो कहता है मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मुझे पैसे मिलने चाहिए. ठीक है. अच्छा, अगर इसी सिनेरियो के अंदर इसी एग्जाम्पल को, ये जो सामने स्टेटमेंट है इसी को आप देखें, एक और इंडिविजुअल है वो बॉस से कहता है कि बॉस अगर आप मुझे रिवॉर्ड ना दें, 5,000 रुपए ना दें, मुझे 2 दिन ऑफ दे दें, मुझे छुट्टियां चाहिए, मेरी 2 छुट्टियां भी पड़ी हैं, मैं 2 और छुट्टियां चाह रहा हूं, तो अब क्या है, उसकी चॉइस है, क्योंकि उसने छुट्टियों में कोई और काम करना है. एक और दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट, कि वो कहेगा बॉस मुझे आप 5,000 ना दें बल्कि मेरी प्रमोशन कर दें. ठीक है, तो दीज आर द थिंग. अब मैनेजर की इंप्लीकेशन क्या है, देखें हर थ्योरी अगेंस्ट
मैंने आपको बताया कि ये सारी थ्योरीज अवेलेबल हैं इसके अंदर. आपने व्हेन यू विल बी द मैनेजर, आप इक्विप हैं, आप ये थ्योरीज आपको पता हैं, पढ़ी हैं, और जहां पे आपने मैनेजर लेवल पे आप गए हैं तो उस पोस्ट पे अब आपने जजमेंट करनी है कि हाँ भी मैं किस लिहाज से जो सारे टूल्स थ्योरीज और फ्रेमवर्क जिनसे मैं इक्विप हुआ हूँ उनको मैंने अब इस तरह यहाँ पे कैसे इन प्लेस करना है. तो अब मैनेजर ने यह देखना है कि कौन सा शख्स किस चीज किस ऑप्शन को चूज करना चाहता है ओवर अनदर. एक शख्स मोटिवेटेड है कि उसकी प्रमोशन हो तो मैनेजर वो टारगेट सेट करे और उसको अगेंस्ट उसके प्रमोशन दे. एक शख्स चाहता है कि मुझे पैसे चाहिए तो उसकी एफर्ट्स के अगेंस्ट उसको क्या है पैसे मिलने चाहिए. एक शख्स अब सिचुएशन में रिक्वायर कर रहा है कि हाँ भी मुझे कुछ डेज ऑफ कर दिया जाए या मेरा डिपार्टमेंट चेंज कर दिया जाए या मेरी जॉब रोटेट कर दी जाए. तो मैनेजर उसका जो गोल है जो टारगेट सेट करेगा जो रिवॉर्ड होगा वो उसी के अकॉर्डिंग सेट करेगा. क्यों? उस शख्स के अंदर नजदीक जो इम्पोर्टेंस है जो वैलेंस है वो पैसा है. दूसरे शख्स के नजदीक इम्पोर्टेंस प्रमोशन है. तीसरे के नजदीक 2 days ऑफ है. तो अब मैनेजर ने देखना है कि उस एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के अंदर ये जो टारगेट सेट कर रहा है वो एक्सपेक्टेंसी इंस्ट्रूमेंटेलिटी और बैलेंस हर पर्सन टू पर्सन डिफरेंट है. तो मैं उसी लिहाज से उसके टारगेट्स को और उसके रिवॉर्ड्स को और उसी परफॉर्मेंस को और उसकी एफर्ट्स को उसी लाइन के अंदर उससे मैं आउटकम या रिजल्ट्स लूं. ठीक हो गया. अच्छा क्लास आई बिलीव वी स्टिल हैव टाइम एंड यू आर नॉट आई वुड से कि इंफॉर्मेशन ओवर फ्लो नहीं होगी. वेट ऑन अ सेकंड. में जो इसके बाद हमने जो नेक्स्ट अभी हम देखेंगे वो हमने देखनी है साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, वो थ्योरी है ये यहाँ पे रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी फिनिश. और जो इससे पहले था वो आपको मैंने जो कल का लेक्चर है वही ऑलमोस्ट हमने रिपीट किया है. जो नेक्स्ट हम देख रहे हैं वो दैट इज रूम्स हैंडीज जो है हैंडी की है साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, वो हम देख लेते हैं. Here it is, Handy's psychological contract. अच्छा वर्ड साइकोलॉजिकल, अगर हम इसी वर्ड को देख लें तो साइकोलॉजिकल क्या है. ठीक है, होपफुली इफ इट वुड बी क्लास आई वुड आस्क साइकोलॉजिकल क्या है. सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नोज कि क्या है. ऐसी चीज जो आपके फिजिकल बॉडी से फिजिकली रिलेटेड नहीं है बल्कि आपके जहन से रिलेटेड है, आपकी नफ्सियात से रिलेटेड है. ठीक है, नॉट विद योर फिजिकल थिंग, इसको हम कहते हैं नफ्सियाती या जहनी. हैंडीज साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट है ऐसी चीजें जो कि इसके अगर मैं साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहूँ तो इट्स अ सीरीज ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर. ये वो सीरीज ऑफ एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि रिटन डाउन नहीं है आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, आपकी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, लेकिन नफ्सियाती तौर पे जो सीरीज ऑफ एक्सपेक्टेशन वर्ड मैंने यूज किया एक्सपेक्टेशंस, जो एक्सपेक्टेशंस हैं एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से और एक एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय से, वो क्या कहलाती हैं एक्सपेक्टेशंस. सीरीज ऑफ एक्सपेक्टेशन आर नोन एज ए साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, एग्जिस्ट यहाँ पे ऑथर कह रहा है साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर. ठीक है, इस टेबल को हम देखते हैं लेकिन इसमें देख लें अनलाइक द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट द साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट इज हाईली सब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, क्लियरली रिटन डाउन नहीं है कि ये काम करने हैं. वो तो ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है लेकिन ऑन द टॉप ऑफ दैट वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके बाद सीरीज ऑफ एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि एक एम्प्लॉय रखता है अपने एम्प्लॉयर से और एक एम्प्लॉयर रखता है अपने एम्प्लॉय से. ये जो जॉब से हटकर काम है हम कह सकते हैं उसको. ठीक है, और ड्यूटी से हटकर एक एम्प्लॉय जो काम कर रहा है और एम्प्लॉयर जो फ्रेंच बेनिफिट्स बोनसेस हैं और सैलरीज हैं उससे हटकर अपने एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय के लिए मुलाजिम के लिए देखता है. ठीक है, वो कहलाता है साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट और जो एक्सपेक्टेशंस हैं इन दोनों को.
लास्ट टाइम क्लास में किसी ने मेरे से पूछा था कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में फर्क क्या है, मैं दोबारा बताता चलूं, आईसीएम में एम्प्लॉयर है और मैं आईसीएम में का क्या हूं, एम्प्लॉय हूं, ठीक है। मैं जिसके लिए काम करता हूं वो मेरा एम्प्लॉयर होगा और मैं उस कंपनी में जॉब करता हूं तो मैं एम्प्लॉय हूं। टेलीनॉर एम्प्लॉयर है और टेलीनॉर के अंदर लोग कौन काम करते हैं वो एम्प्लॉय कहलाएंगे, ठीक हो गया। तो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इज अ सीरीज ऑफ एक्सपेक्टेशन बिटवीन द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, जो कि रिटन डाउन नहीं है, लिखे हुए नहीं है, लीगल बाइंडिंग नहीं है। अगर आप करो तो बहुत बेहतर है, अगर एम्प्लॉयर करे तो बेहतर है, एम्प्लॉय उसके अगेंस्ट भी काम करे तो बेहतर है, अगर ना करें तो कोई भी किसी को कानूनी तौर पे सू भी नहीं कर सकता, और जो है वो कानूनी तौर के ऊपर सू के अलावा भी उसको पेनलाइज नहीं कर सकते अगर वो काम उसने नहीं किया, ठीक हो गया। और अगर इसी तरह एम्प्लॉयर ने उसको फैसिलिटेट नहीं किया उस टर्म्स एंड कंडीशन से हट के, तो वो भी गिल्टी नहीं है, एम्प्लॉयर भी गिल्टी नहीं है, ठीक है। अगेन आई रिपीट कि साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट बिटवीन द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, इट्स अ सीरीज ऑफ एक्सपेक्टेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। एंड सेकंड, अनलाइक द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, द साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट इज हाईली सब्जेक्टिव, नॉट रिटन डाउन एंड नॉट लीगली बाइंडिंग। अब इस टेबल को हम देखते हैं, एक तरफ ऊपर एम्प्लॉय है और आगे नेक्स्ट कॉलम के अंदर क्या है, एम्प्लॉयर है। और अगर आप इसके वर्टिकल साइड पे देख लें तो व्हाट डू दे वांट, एम्प्लॉय क्या चाहता है, वांट देयर नीड्स टू बी सेटिस्फाइड, जो उसकी जरूरत है उसको जो है वो पूरा किया जाए, ठीक है। एम्प्लॉयर क्या है, वांट एम्प्लॉय टू वर्क हार्ड, विल हैव अ सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन फॉर ईच एम्प्लॉय, तो वही सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन जो एम्प्लॉयर की है वो एम्प्लॉयज की भी टूवर्ड्स एम्प्लॉयर होंगी। What are they willing to give? क्या देना चाहते हैं दोनों, employee क्या देना चाहता है, will offer their energies and talent, और employer क्या है, payment, benefits and other outcomes, example आप promotion, ठीक है। आपकी job description के अंदर जो काम है आप daily वो काम कर रहे हैं उससे हटकर आप काम करते हैं तो surely management और आप expect करते हैं कि अगर मैं हट के काम करूँ या तो company मेरा ओवर टाइम लगा दे खुद ही देखते हुए, या फिर मेरी इस परफॉर्मेंस को देखते हुए, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क को देखते हुए एम्प्लॉयर जो है वो मेरी प्रमोशन कर दे, ठीक है। तो ये जैसे एग्जांपल में दिया हुआ अ प्रमोशन, एक प्रमोशन हो सकती है। इम्प्लीकेशन ऑफ फॉर मैनेजर्स क्या है, साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट जैसे मैंने बताया रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की इम्प्लीकेशन थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप मैनेजर्स ने देखना है कि हर एक के ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट है, हर एक का जो है गोल डिफरेंट है, हर एक डिफरेंट रिवॉर्ड जाता है, तो उसने जज करना है कि किसके को किस तरह का रिवॉर्ड देना है। जो मनी से मोटिवेटेड है तो उसको पैसे दिए जाएं, जो दो छुट्टियों से मोटिवेटेड है तो उसको दो छुट्टियां दी जाएं, और जो चाहता है कि मुझे प्रमोशन हो तो उसको वो टास्क और वो गोल सेट किया जाए जिसके थ्रू उसकी प्रमोशन हो सके और उसको वो काम दिया जाए। अब यहाँ पे साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट में क्या इम्प्लीकेशन है, मैनेजर्स यानी बीइंग यू पीपल और फ्यूचर मैनेजर्स ऑफ द कंपनीज, अ साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट कैन एक्सर्ट अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर बिकॉज इट कैप्चर्स व्हाट एम्प्लॉय रियली बिलीव दैट विल गेट इन रिटर्न फॉर व्हाट दे गिव, ठीक है, कि जो मैं दूंगा जो मैं गिव करूंगा उसके रिटर्न में मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, मेरी जो है मेहनतें और मेरे एक्स्ट्रा हार्डवर्क जाया नहीं जाएगा। इफ एम्प्लॉयज फील दैट द एम्प्लॉयर हैज ब्रोकन प्रॉमिसेस और वायलेटेड द कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉय रिएक्शन रेंज फ्रॉम माइल्ड इरिटेशन और रिडक्शन इन एफर्ट्स टू हैंडलिंग इन देयर नोटिस, ठीक हो गया। जब वो देखेगा उसका रिवॉर्ड कुछ भी नहीं मिल रहा तो एक वक्त आएगा वो भी एग्जॉस्ट हो जाएगा और वो काम नहीं करेगा, उसकी परफॉर्मेंस भी डिटीरियोरेट हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन ऑर्डर फॉर मैनेजर टू मोटिवेट एंड रिटेन एम्प्लॉयज दे मस्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट, तो मस्ट है कि अंडरस्टैंड करें कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि रिटन डाउन नहीं है, सब्जेक्टिव है, एम्प्लॉय चाहता है। समटाइम आप बैठ के उससे काउंसलिंग करके उससे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये है साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट का
यहाँ तक आज मैं पढ़ाऊंगा, इससे आगे हम नेक्स्ट टाइम कल आगे चलेंगे। इसी साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट की आपके बुक के अंदर फर्दर डिटेल है। लेकिन क्लास ये एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 4 आपके बुक के पेज, जो पीडीएफ का पेज तो 202 बन रहा है, लेकिन आपके जो बुक का पेज बन रहा है वो 390 है। होपफुली सॉफ्ट कॉपी आप सबके पास है, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये प्रोफाइल है केट से रिलेटेड, केट हैज वर्क्ड एज ए ट्रेनी अकाउंटेंट। ये आप घर से पढ़ के आइएगा, ठीक है। मैं कल इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है, और कल टाइम नहीं दूंगा कि आप पढ़ें, लेकिन वही चीज है, लेकिन अगर आप पढ़ के आएंगे तो आप बेटर अंडरस्टैंड करेंगे साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। तो प्लीज कल आपने ये इलस्ट्रेशन 4 जो है हैंडी साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड पेज नंबर 390 ऑफ योर बुक, ठीक है, ये आपने पढ़ के आनी है, ठीक है। ये आपको बताता चलूं, ये नेक्स्ट पेज पे भी है, ठीक है, 390-391 तक। इसको कल मैं डिस्कस करूंगा और उसके बाद टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट हम कल इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। 390 और 391 पेज के ऊपर ये आपका साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट है। ये आप लोगों ने स्मॉल इलस्ट्रेशन है, वेरी स्मॉल, आप अपने स्मार्टफोन में भी ओपन करके बैठे हुए लेटे हुए आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो प्लीज इसको कल पढ़ के आइएगा, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। Now I'll go towards the question answer session. और उससे पहले अगर मैं आपको बता दूं, कल की ड्राइव में दोबारा से शेयर कर लूं, ड्राइव का लिंक मैं आज दोबारा से इस प्रेजेंटेशन में दे देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें, जो कल ले सके, नहीं ले सके वो भी देख लें। थोड़ा सा अगर आपको मैं बताता चलूं, लास्ट टाइम कल भी बता दिया था, ऑल्दो सॉरी मैंने कल बता दिया था, इसके अंदर ये सारी चीजें आपकी मौजूद हैं। अगर आप इसके बुक के अंदर देखें तो एंटरप्राइज मैनेजमेंट का फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर ठीक है कैरियर पैक, वन ऑफ द कैरियर पैक, जिसके अंदर आपकी ये सॉफ्ट कॉपी में बुक बनी हुई है, आपके थोड़े ओल्ड जो है वो आपके कोर्स से रिलेटेड चीजें, एंटरप्राइज मैनेजमेंट की जो है वो सिंपल जो है बेस्ट प्रैक्टिस स्ट्रेटजी मैप्स भी हैं, रिकमेंडेड बुक्स भी हैं एंटरप्राइज मैनेजमेंट से रिलेटेड, और डॉक्यूमेंट हैं। फिर एचआर मैनेजमेंट जो हम पढ़ रहे हैं अभी, एचआर मैनेजमेंट भी है यहाँ पे, ठीक है, जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। क्यों नहीं ओपन हो रही, एचआर की बुक भी इसके अंदर मौजूद है, एचआर की स्लाइड्स भी मौजूद हैं, एचआर के नोट्स भी हैं, और हार्वर्ड की जो एचआर की केस स्टडी है ये यहाँ पे है सेम। मैं आपको इन डॉक्यूमेंट से दिखा देता हूँ, एचआरएम इन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है, अलाइनिंग ह्यूमन कैपिटल विद बिजनेस स्ट्रेटजी, ये हार्वर्ड का एक आर्टिकल यहाँ पे पड़ा हुआ है। चैप्टर नंबर 13 जो आज हमने देखा है, मैस्लो का और हर्ट्जबर्ग की थ्योरी इसके अंदर है, इंट्रोडक्शन टू एचआरएम जो स्लाइड्स और रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इसमें है, ये नोट्स इसके अंदर मौजूद हैं, और आपकी एचआर की ई बुक कंप्लीट इसके अंदर मौजूद है, ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें आपके इस ड्राइव के अंदर है। व्हाट्स द लिंक, आई विल गो बैक टू द लिंक, और मैं ये लिंक दोबारा से कॉपी करके रख रहा हूं ताकि आप लोगों को यहाँ पे आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको देख लें, इट्स ऑन द स्क्रीन नाउ, ठीक हो गया। अच्छा जी, शुरू में तो यही थे बुक्स और ये सारी चीजें दे दी हैं, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले ली है। लिंक अगेन दोबारा मैंने सेंड कर दिया, लिंक का एसएन जावेद पूछ रहे हैं, बिल्कुल आपका एचआर का फर्स्ट चैप्टर है, पहले चैप्टर पे हम चल रहे हैं, आपके बुक का चैप्टर नंबर 13 है, इंट्रोडक्शन टू एचआरएम थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है, एचआर थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू मोटिवेशन, एचआर थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू मोटिवेशन, ये आपका चैप्टर चल रहा है, ठीक है। आज मैंने इस क्लास में से पहले भी होपफुली जिन्होंने पूछा है, हाना ने है ना, सॉरी सैयद जिल्ले अब्बास ने, तो ये पहला चैप्टर ही चल रहा है, इसका दोबारा से मैंने रिव्यू किया है। अच्छा,
या ईएम की बुक जो है वो आपके जो आईसीएमए की बुक है आप वही वाली परचेज कर रहे हैं, और ये जो सॉफ्ट कॉपी है आप इसी को डाउनलोड कर लें। मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि इट्स अबाउट द बिगर पिक्चर, बर्ड्स आई व्यू है, इसके अंदर एचआर भी है, ऑपरेशन भी है, फाइनेंस भी है, मार्केटिंग भी है, परफॉर्मेंस रिलेटेड भी है। तो ये आपके पास मल्टीपल है, मैंने एचआर की बुक भी शेयर कर दी है, मैंने मैनेजमेंट की बुक भी शेयर कर दी है, मैं मैनेजमेंट की स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा, एचआर की स्लाइड्स टाइम टू टाइम मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे रिलेटेड, ठीक है। तो जो ईएम ने जो आईसीएमए वालों की है वो काइंडली परचेज कर लें। राना उस्मान दोबारा शेयर कर दिया है मैंने लिंक, आप देख लें इसको। जैनब कल मैंने नंबर शेयर किया था, और आप अपने क्लास फेलोज से ले लें नंबर, वो ग्रुप दो व्हाट्सएप के बने हुए, एक इस्लामाबाद का ग्रुप बना हुआ और अनदर ग्रुप बना हुआ है। आप वो नंबर जो कल मैंने हशमत था, हशमत का नंबर मैंने स्क्रीन पे शेयर किया था, अच्छा एक दफा और समझाएं। आई डोंट नो किसका पूछ रहे हैं आप, एनोनिमस अटेंडी हैं आज, कल का लेक्चर जो है वो दोबारा से मैंने समझा दिया था, अगर आप दोबारा पूछना चाह रहे हैं ठीक है। क्लास अपनी जो इस जो लेक्चर है इसकी और जो टीचिंग करा रहे हैं इसकी सेंटिटी को आप जो है वो इसके तकद्दस को कायम रखें, और ये बीच में जो आप जोक सेंड कर रहे हैं इसको काइंडली अवॉइड करें, ठीक है। I believe Sobia Khan, job enrichment or enlargement, आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। आपके question है job enlargement और job enrichment में क्या फर्क है, दोनों में तो responsibility authority increase कर रहे हैं, authority और responsibility authority increase कर रहे हैं और आप इसको और responsible बना रहे हैं, ये enrichment है। enlargement में आप additional एक job दे रहे हैं। SOP क्या है, standard operating procedure, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। जैसे मैंने बताया ना कि एक जैसे मैं प्रोडक्ट की एग्जांपल दे रहा था, उसकी क्वालिटी टेस्ट करने के 6 एसओपी है, या आपने उसको कैसे चेक करना है, तो वो उसके कैसे आपने उसकी क्वालिटी को चेक करना है उसके वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहलाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने अगर एक मशीनरी को ऑन करना है ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखना है कि मशीनरी के आस पास कोई चीज तो नहीं है, दैट्स अ वन थिंग। सेकेंड उसको प्लग इन करना है, थर्ड आपने सॉरी उसको कनेक्ट करना है आपने इन्वर्टर से, फिर थर्ड आपने उसको प्लग इन करना है और फिर उसका बटन ऑन करना है, और जब तक मशीनरी जो है और उसको आपने स्टार्ट करना है, यानी उसकी पावर का बटन ऑन करना है, और उस मशीन को आपने 5 मिनट तक जो है वो स्टार्ट रहने के 5 मिनट तक आपने कुछ भी नहीं करना, प्रोसेस नहीं करना, उससे कोई प्रोडक्ट बनाना नहीं है, और 5 मिनट के बाद आपने उस प्रोडक्ट को बनाना है, ये दैट्स अ वन ऑफ द एसओपी ऑफ अ मशीनरी जो मैंने बताया। तो ये एक चीज को मशीन को चलाने का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ठीक है। किसी भी काम को करने का जो प्रोसीजर होता है, जो तरीकाकार होता है, उसको हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं। रूम्स की थ्योरी अगेन इजाजुल्ला, मैं नेक्स्ट टाइम कल दोबारा से रिव्यू करके आगे चलूंगा, ठीक है। हार्ड कॉपी बुक की कहाँ से मिल सकती है, वैसे तो आईसीएमए इस्लामाबाद के अंदर वहां पे तो वैसे शॉप थी, शॉप से बुक शॉप से आपको मिल जाती है। आई डोंट नो आप कहाँ पे हैं, किस जगह पे पूछना चाह रहे हैं, तो इसके बारे में आप कोऑर्डिनेशन से बात कर लें कि आप जिस जगह पे, आई डोंट नो आइदर यू आर इन मुल्तान, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, तो आप वहाँ के रिस्पेक्टिव अपने जो कैंपस के कोऑर्डिनेशन है वहाँ से पूछना आपको हार्ड कॉपी कहाँ से मिलेगी।
सलमान अहमद कराची का ग्रुप कोई भी मेरे पास नहीं है, किसी कराची के ग्रुप वालों ने मुझे ऐड नहीं किया। सर नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया सर। सर एक मिनट, मैं दोबारा स्क्रीन बस शेयर कर दूं, ये स्क्रीन बच्चे दोबारा देख लें, कुछ बच्चों ने स्क्रीन का पूछा है। ओके सर, बस एक मिनट ये देख। क्लास अगेन में शेयर करूं ये स्क्रीन, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। काफी ने मेरे से पूछा है कि आप दोबारा से लिंक शेयर कर दें, लिंक आपके सामने मौजूद है, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, वी हैव टू गो। ठीक हो गया क्लास, ये आपके सामने है, प्लीज इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है क्लास, इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं। ठीक है, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलते हैं 1:45 पे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज क्लास।